ग्वालियर क्राइम ब्रांच द्वारा लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए लगातार एडवाइजरी जारी कर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। इसी तारतम्य में ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें क्राइम ब्रांच ने फर्जी इनकम टैक्स मैसेज से अलर्ट रहने की सलाह दी है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि साइबर ग्रो द्वारा धोखाधड़ी का यह नया तरीका इजाज किया गया है, जिसमें ग्रो द्वारा लोगों के मोबाइल पर इनकम टैक्स ड्यू होने के समय मैसेज किया जाता है, और जब व्यक्ति मैसेज को पढ़कर संबंधित व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करता है तो ग्रो द्वारा उसके साथ ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया जाता है। ठगी की यह वारदात पूरी तरह से ऑनलाइन घटित होती है। ऐसे में लोग इस तरह का कोई भी मैसेज आने पर दिए गए लिंक को ना तो डाउनलोड करें ना ही उस पर संपर्क करें। मैसेज की सत्यता की जाँच के लिए स्थानीय इनकम टैक्स कार्यालय पर भी लोग संपर्क कर सकते हैं। क्राइम ब्रांच ने कहा है कि किसी भी कीमत पर इस तरह की किसी भी लिंक को शेयर ना कर धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकते हैं। क्राइम ब्रांच ग्वालियर द्वारा एक एडवाइज जारी की गई है। अभी इस तरह के केसेस काफ़ी बड़े हैं, एप्लीकेशंस भी आई है, जिसमें कि एक आपके पास मैसेज आता है, व्हाट्सअप मैसेज और SMS आता है कि आपका इनकम टैक्स ड्यू है, और आपका इनकम टैक्स ड्यू होने की वजह से आपका आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, और इसमें 3,000 रुपये या 5,000 रुपये या 6,000 रुपये का मैसेज आता है, और उसमें एक नंबर भी आता है जिसमें आप कॉन्टैक्ट करें। तो इस तरह जब जो कस्टमर होता है वो जब उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करता है तो अपनी बातों में उलझा के उससे फिर पेमेंट करा लेता है। तो इसमें हमें ये सावधानी रखनी होगी कि इस तरह के जो मैसेज आते हैं इन मैसेज का जवाब बिल्कुल ना दें, उन नंबर पर जो मैसेज में जो नंबर आते हैं उन नंबर पर कॉल ना करें। अगर आपको लगता है कि सही है, दुविधा की स्थिति में है, तो आप लोकल जो अपने लोकल ज़िले में जहां आप रहते हैं वहां आसपास कहीं ना कहीं इनकम टैक्स का जो ऑफिस है वहां जाकर उसको उनसे संपर्क करें। इसके अलावा व्हाट्सएप पर किसी भी व्यक्ति से व्हाट्सएप पर या मोबाइल पर कोई अननोन लिंक क्लिक ना करें, ना ही कोई अपनी गोपनीय जानकारी उनसे शेयर करें। तो इस संबंध में क्राइम ब्रांच के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है।